लिए देख रहे हैं MNS न्यूज पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। चिकन सेंटर में आग, जीवित मुर्गियां बनी चिकन फ्राई। यवतमाल जिले में मुकुटबंद यहां मंगलवार शाम को गैस सिलेंडर से लीकेज के कारण पूरी दुकान में आग लग गई। इस आग में चिकन सेंटर में रखी मुर्गियां जीवित ही जल गई। यह हादसा दुकान मालिक सैयद हारून सैयद ख्वाजा इनकी चिकन सेंटर में गैस सिलेंडर की पाइप में अचानक आग पकड़ी, देखते ही देखते पूरे चिकन सेंटर में आग फैल गई। इस वारदात को लेकर परिसर के नागरिक और पुलिस मौके पर पहुंचे और आग बुझाने लगे, पर आग बहुत तेजी से बढ़ रही थी। आग काबू में नहीं आने के कारण फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया, फिर आग काबू में आ गई। तब तक मुर्गियों का चिकन फ्राई बन गया था। किसान की करंट लगने से मौत। वर्धा जिले के गिरड़ गांव में जंगली जानवरों से खेती को बचाने लगाए गए तार कंपाउंड में बिजली छोड़ी गई, लेकिन इस बिजली का किसान को धक्का लगा और वही मृत्यु हो गई। यह वारदात मंगलवार दोपहर की है। मृत किसान का नाम सुदाम एकरे बताया जा रहा है। यह भी बताया जाता है कि इस खेत के बाजू में जंगल होने के कारण जंगली जानवर खेतों में आके बड़ा नुकसान करते हैं, इस वजह से खेत को तार कंपाउंड लगाया। दिवाली के पहले कपास खरीदारी शुरू करे किशोर तिवारी की मांग। यवतमाल जिले को कॉटन बेल्ट माना जाता है। दशहरे के बाद नई कपास बाजार में आना शुरू हो गई। सरकार की खरीदारी अभी तक शुरू नहीं हुई, लेकिन स्थानीय व्यापारी 3,500 रुपए प्रति क्विंटल से खरीद रहे हैं, लेकिन यह कीमत बहुत कम होने से किसान को 1,000 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की मांग किशोर तिवारी इन्होंने की है। किसानों की लूट रोकने के लिए सरकार द्वारा सभी केंद्रों पर कपास खरीदी शुरू करनी चाहिए। यह विषय किशोर तिवारी ने गृह मंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी से मुलाकात की। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब फिलहाल वक्त चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।